हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, अब आपके एग्ज़ाम जो हैं वो करीब आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन जो है ज़ोरों से चल रही है और होनी भी चाहिए। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और एक जो आपका कोड 509 था, उसमें जो आपका यूनिट 6 है उसका MCQ रह गया था, तो चलिए उसको देख लेते हैं। और 508 आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 509 भी लगभग ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ही हो चुका है। ये एक MCQ का वीडियो रह गया था, तो उसे मैं अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे वॉच कर लीजिएगा। और सभी जो MCQ के वीडियो हैं यूनिट 1 से लेकर के 9 तक के, वो सभी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इस या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे मैं सभी MCQ के लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQ। और यदि आपने इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल है, यानी भारत जो है किन में से किसका उद्गम स्थल है, आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो और जो ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको आंसर सेलेक्ट करने का मौका भी दे दूंगी। बौद्धवाद, जैनवाद, सिखवाद, उपयुक्त सभी, यानी जो भारत निम्न में से किसका उद्गम स्थल है, यानी भारत में कौन कौन सी ये जो धर्म है, इनमें से कौन कौन से धर्म है जो यहाँ पे पाए जाते हैं या जिनका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आपने सेलेक्ट कर ही लिया होगा, बहुत आसान है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर इसका होगा कि भारत में निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना? यानी यहाँ बौद्ध बौद्ध भी है, जैन भी है और सिखवाद, इन तीनों बाद जो यहाँ पाए जाते हैं, तीनों बाद का जो उद्गम स्थल है वो भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सही या गलत में देख लेते हैं कि भारत में यहूदी धर्म, ईसाई और बहाई धर्म के अनुयायी भी हैं। जो भारत में यहूदी धर्म है वो ईसाई और बहाई धर्म के अनुयायी भी हैं, आपको बताना है क्या सही है या गलत है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ राइट आंसर इसका, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा कि यस, यानी हाँ, ये सही है कि भारत में यहूदी धर्म जो है ईसाई और बहाई धर्म के अनुयायी भी हैं। फिर से हम अगला ले लेते हैं, सही या गलत। ठीक है ना? अब यहाँ पे सही या गलत में देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, ओके, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेती, ओके, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में डैश बहुसंख्यक हैं। अब आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जो यहाँ पे राज्य दिए, और सॉरी, और जो प्रमुख राज्य हैं उनमें कौन बहुसंख्यक हैं, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या सिख है। यानी कि यदि जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे एक ऐसी जनसंख्या है जहाँ पे एक ही रिलीजन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे धर्म का बाहुल्य है। तो आपको बताना है कि उस जगह पे, इस जगह पे जिन लोगों का बाहुल्य है उसके अलावा और जो राज्य है वहाँ पे किन लोगों का अधिकतम लोग पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपका सेलेक्ट कर लिया होगा आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू। यानी कि जम्मू और कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो और जो राज्य हैं वहाँ पे हिंदू अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अधिक संख्या में हैं। इसी तरह से चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं, सही या गलत में ले लेते हैं। ठीक है कि भाषा जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो भाषा जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या सही है गलत है कि भाषा जो है वो जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? फिर इन द ब्लैंक्स अब ले लेते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं कि भारत में डैश भाषाएं प्रयोग में हैं। भारत में कितनी भाषाएं हैं जो प्रयोग में हैं, बोली जाती हैं, क्योंकि हैं तो बहुत भाषाएं हैं, लाखों भाषाएं हैं, लेकिन जो मेन ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो प्रयोग में बोली जाती हैं। ठीक है ना? बोलते हैं ना कि हर एक 2 या 3 3 या 4 किलोमीटर में जो भाषाएं वो बोलियां अलग हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, बोलियां चेंज हो जाती हैं, लेकिन भाषाएं जो हैं तो वो है 325। ठीक है, सही है गलत, अधिकांश जनजाति समुदाय बहुभाषी हैं, तो सही है गलत है, तो बिल्कुल सही है कि अधिकांश जनजाति समुदाय है वो बहुभाषी है।
रिक्त स्थान ले लेते हैं। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो है कि सामाजिक प्रक्रिया में भागीदारी उस समय शुरू होती है जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ डेस करते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया में भागीदारी उस समय शुरू होती है जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो फिर अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि जब आप अभिभावक अपने बच्चों के साथ शीघ्र सामाजिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं तो वह अंतःक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि सामाजिक, एक अगला क्वेश्चन है ये है आपका कि सामाजिक विज्ञान में अधिगम शिक्षण को सहभागी बनाने में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब ये आपको बताने हैं कि जो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन से कथन सही हैं। ओके, ऑप्शन चलिए हम देख लेते हैं इनमें से ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो जो ऑप्शन है वो है आपका, तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहभागी बनाने के लिए विद्यार्थियों को समूह में कार्य करना सुनिश्चित करें और एक प्रशिक्षित समवयस्क की भूमिका अपनाएं। ओके, एक कक्षा कक्ष वातावरण सृजित करें जो समूह कार्यस्थलों की शामिल कर समूह कार्यस्थलों को शामिल करता है जहां संसाधनों को साझा किया जाता है, या फिर विद्यार्थी को पढ़ाएं कि कैसे प्रत्येक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो भी दो देख के आए हैं, और विद्यार्थियों को पढ़ाएं कि कैसे प्रत्येक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सबसे उद्गत सिद्धांत है, उद्गत सिद्धांत क्या है संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है ना, जेम्स हाई, चार्ल्स बियर्ड, जीन पाइगेट, जॉन पी माइकलिस। जीन पाइगेट यानी जीन पियाजे जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास का सबसे उद्दृष्ट सिद्धांत दिया है वो किसका है। तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे और आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे का। ठीक है ना, ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। चलिए यहाँ पे अब रिक्त स्थान भर लेते हैं कि पाइगेट यानी पियाजे ने बच्चों के विकास के चार स्तरों का वर्णन किया है, संवेदी, गति, डैश, प्रत्यक्ष परिचालन और डैश। चार है, चार में से दो यहाँ पे दे दिया है और दो का आपको बताना है। तो देखिए संवेदी गति है, उसके बाद क्या है पूर्व परिचालन, फिर प्रत्यक्ष परिचालन और अनौपचारिक परिचालन। यहाँ पे परिचालन शब्द का यूज किया गया है। जनरली संवेदी गति, मूर्त संवेदी गति, क्रियाशील संवेदी गति, इस तरह के कहीं कहीं पे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि संवेदी गति का प्रसार जन्म से कितने वर्षों तक है। जो संवेदी गति होता है उसका जो प्रसार है यानी संवेदी गति कितने वर्षों के बीच के में गिनी जाती है, कितने वर्ष के बच्चों में देखी जाती है, 2 वर्षों में, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2 वर्ष, यानी स्टार्टिंग जो होती है संवेदी गति का प्रसार जन्म से कितने वर्षों तक होता है। तो जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष, इस चीज को भी याद रखिएगा, ये 2 वर्ष हो या फिर कहीं पे 0 से 2 वर्ष हो तो फिर 0 से 2 वर्ष वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है जन्म से कितने वर्षों तक का। तो संवेदी जो गति होती है यानी पहली अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, ले लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व परिचालन स्तर के प्रमाण चिन्ह क्या है, यानी पूर्व परिचालन स्तर में बच्चा क्या करता है। असंगत मानसिक परिचालन, स्वयं पर पूर्ण से केंद्रित, केवल का या का और खा दोनों। यानी पूर्व परिचालन स्तर पे क्या होता है, जब बच्चा 2 से 5 वर्ष की अवस्था में आता है, आई थिंक 2 से 5 है, फिर 5 से 7 है, ठीक है, 7 से 11 कहीं कहीं पे 12 भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका घा, यानी का और खा दोनों ही हो जाएंगे, यानी असंगत मानसिक परिचालन और स्वयं पर पूर्ण से केंद्रित जो परिचालन होता है, ये चिन्ह होते हैं, मेन लक्षण होते हैं जब बच्चा पूर्ण परिचालन स्तर पर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रमबद्ध करना, संक्रामकता, वर्गीकरण और संवाद किस स्तर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। क्रमबद्ध करना, संक्रामकता, वर्गीकरण और संवाद किस स्तर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, पूर्व परिचालन की, प्रत्यक्ष परिचालन की या फिर अनौपचारिक परिचालन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। क्रमबद्ध करना, संक्रामकता, वर्गीकरण, संवाद जो है वो आपकी अवस्थाएं हैं प्रत्यक्ष परिचालन की। ठीक है, किसके,
प्रत्यक्ष परिचालन की अवस्थाएं कहलाती हैं। क्रमबद्ध करना, संक्रामकता वर्गीकरण और संवाद किस स्तर की हैं। तो सही या गलत यहाँ पे देख लेते हैं कि औपचारिक परिचालन स्तर की शुरुआत 11 वर्ष की आयु से होती है और यह प्रौढ़ता तक चलती है। औपचारिक परिचालन जो सबसे लास्ट वाला लास्ट अवस्था होती है, तो ये जो है 11 वर्ष की आयु से होती है और प्रौढ़ता तक चलती है। तो बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि पहली अवस्था 0 से 2 चलती है, दूसरी अवस्था 2 से 5, फिर तीसरी 5 से 7, और जो सात सॉरी 2 से 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, और फिर 11 से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ओके, तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये जो एक एमसीक्यू है ये रह गया था आपका 509 का। तो ये इस तरह से इस वीडियो के साथ ही आपके पूरे जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनका काम है एक वीडियो में लेके आने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है हम एक वीडियो में कर लेंगे, ताकि आपको देखने में सहूलियत भी रहे और आराम से आप एक ही वीडियो में देख सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।